तो गाइस निकल चुके हैं हम नैनीताल से। नैनीताल गए नहीं थे, नैनीताल बस टच किया था, ऑलमोस्ट धप्पा कर कर आए हैं। वहाँ पे मैगी खाई हमने और थोड़ा व्यू एंजॉय करे और उसके बाद हम निकल लिए हम सीधा बिनसर के लिए। कितने खुश देख रहे हो खाना खा के? अरे खाना खा के बहुत अच्छा लग रहा है यार, मतलब इतना लो एनर्जी हो गया था ना मैं उस टाइम पे, अब खाना खा के भाई फिल एकदम फुल पावर एनर्जी आ चुकी है भाई। नैनीताल से बिनसर का रास्ता तो काफी सुंदर है यार, पहाड़ों पर आकर ना पहाड़ों वाली मैगी खाओ यार, उसका स्वाद ही अलग है। और अगर पहाड़ों पे आके पहाड़ों वाली मैगी नहीं खाई ना तो भाई पहाड़ों पे आना बेकार है। और अब क्योंकि खा लिया ना मैंने मैगी तो भाई अब अंदर से ऐसा फ्रेश हो गया हूँ। और देखते हैं अभी रास्ते में कहीं कोई व्यू आता है बढ़िया सा तो गाड़ी रोकेंगे और थोड़ा व्यू इंजॉय करेंगे, क्योंकि आए तो हम सिर्फ व्यूज के लिए है ना। अब नैनीताल से हम क्योंकि बिनसर की तरफ निकल लिए हैं तो रास्ते में पड़ेगा पहले अल्मोड़ा। तो ये जो है ना यहाँ से हमारी बेसिकली नैनीताल तक तो क्या है चढ़ाई होती है, फिर नैनीताल से अल्मोड़ा के लिए पूरा आप उतरने लगते हो पहाड़ और रिवर साइड आ जाओगे। ये जगह है भवाली, बहुत ट्रैफिक है भवाली में, भोवाली अच्छा खासा शहर है भाई, सब कुछ है यहाँ पे। इस सामने पूरा फॉरेस्ट फायर है यार, अब ये गर्मी से भी लगती है, कभी कभार लोकल्स भी लगा देते हैं, अब क्या रीज़न है ये नहीं पता बट बहुत धुआं हो रखा है, पूरा फॉरेस्ट फायर है। सामने देखो यार इतना ज़्यादा धुआं है कुछ दिख ही नहीं रहा है। शांत है, बहुत शांत है ना, बहुत ज्यादा पीसफुल सा एरिया है, चायल जैसा एरिया। हाँ चायल में जैसे एक पीस था ना वैसा ही पीस मेरे को यहाँ पे भी दिख रहा है। अभी तो खैर बिनसर दूर है, 60 किलोमीटर अभी भी है, बट फील हो रहा है वो पीसफुल एरिया, हम किसी पीसफुल एरिया की तरफ जा रहे हैं। वैसे भी बिनसर है तो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाँ तो मैं यही बात कर रहा था कि अगर हमारे पास ड्रोन होता तो कितने अच्छे अच्छे मस्त मस्त शॉट्स आते यार, तो मेरे को लग रहा है एक ड्रोन तो लेना ही पड़ेगा बहुत जल्दी। क्या कहते हैं भाई लोग, ले लें एक ड्रोन? तो यार मैंने गाड़ी रोक दी है क्योंकि इतनी हाइट पे आए हैं, पहाड़ों पर आए हैं तो भाई वादियाँ इंजॉय कर दी तो बनती है ना, बिना वादियों के कैसे आगे बढ़े। तो सामने वादियाँ देखो क्या सुंदर नज़ारे हैं। वैसे अल्मोड़ा के रास्ते पे ना हम पूरा पहाड़ उतर रहे हैं, अब पूरा पहाड़ उतर के ये पीछे जो रिवर साइड है ये रिवर बेड आ चुका है और अब हम इसके पैडल ही आगे तक जाएंगे। अब आगे का रास्ता मुझे भी नहीं पता, मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ। फिर भी सामने अपना ऑफिस कर रही है गाड़ी में बैठ के, और यार बहुत तेज हवा चल रही है यार यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा तेज, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो निकलते हैं आगे बिनसर के लिए, अब यहाँ से 1.5 घंटा और है, 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे अपने होटल द मोक्ष रिट्रीट। Time, nothing new.
तो यार एक और ब्रेक ले लिया है कमर सीधी करने के लिए, क्योंकि बीच में थोड़ा रफ सेक्शन आया था, गाड़ी पूरी हिल गई थी, तो थोड़ा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और वादियाँ इंजॉय करते हैं हम। मतलब यार इतना ज्यादा सुंदर व्यू है ना, ये कैमरे में कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा मेरे को नहीं पता, कैमरा एक्चुअली में ये जस्टिफाई कर भी नहीं पाएगा कभी, बट बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ से। क्या पहाड़ को काट के ये रोड बना रखी है यार, क्या कटिंग करी हुई है। वादियाँ तो सुंदर हैं बट भाई गर्मी बहुत है, जल रहा है यार, मतलब अभी 3 बज रहा है और हाथ ऐसे ना जल रहा है सच में यार। मतलब पहाड़ों पर आके भी अगर इतनी गर्मी मिलती है ना तो मज़ा नहीं आता सच में, पर वादियाँ एंजॉय कर रहे हैं भाई, व्यूज अच्छे हैं। ऐसी ऐसी चितकुल में भी नहीं थी एक्चुअली में। हाँ यहाँ की रोड्स तो बहुत खराब है, अभी भी पिंसर 30 किलोमीटर दूर है और हम पिछले 10 किलोमीटर से ऐसी रफ रोड पे ही चल रहे हैं। दूसरे गियर पे गाड़ी चल रही है कब से, पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, भाई वो करीब 10-15 किलोमीटर था, इतना गंदा स्ट्रेच था ना, इतना गंदा स्ट्रेच, गाड़ी बच गई भाई पूरी। यहाँ से 1 घंटा दिखा रहा है यार, अभी 21 किलोमीटर दूर है, 1 घंटा, 1 घंटे से तो कम है, 50 मिनट है, पर बहुत ज्यादा शांति है ना। गर्मी बहुत है, गर्मी तो है यार, ये बात तो है कि इतना पहाड़ों में आ रहे हो 10 घंटा ट्रैवल करके और फिर भी साला दिल्ली जैसे गर्म हो रखा है तो फिर मूड खराब हो जाता है। अभी जैसे हम नैनीताल से जा रहे हैं पिंसर की तरफ, तो ऐसा फील हो रहा है ना कि हम सिविलाइजेशन से दूर हो रहे हैं, शांति है, कोई है ही नहीं। तो ऐसे फर्स्ट टाइम जब भी किसी नई लोकेशन पे जाते हैं ना तो थोड़ा डर लगता है, जैसे अभी मेरे को थोड़ा सा डर वाला फील है। अब ये डर क्या है मुझे भी नहीं पता, बट एक है और एक वो ह्यूमन टेंडेंसी रहती है। तो इससे पहले जब हम चितकुल गए थे, नारकंडा जा रहे थे, नारकंडा फर्स्ट टाइम जा रहे थे तो फील हो रहा था तुम्हें डर, उस टाइम तो बहुत डर लग रहा था, रामपुर में भी लग रहा था, मेरे को भी लग रहा था, बट एक बार जब हम उससे आगे निकल गए ना चितकुल से हुआ है वापस, तो जब वापस नारकंडा आए थे ना तब बड़ा नॉर्मल सा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ सेम मेरे को यहाँ पे भी लग रहा है अभी, वो एक रहता है एक हेजिटेशन टाइप ना कि यार इतनी दूर जा रहे हैं कुछ हो गया तो ये वो कैसी जगह होगी, अरे क्या तो होगी। बसा पड़ा है ये भी। हाँ बसा तो बहुत पड़ा है। हम जहाँ पर है ना यहाँ से हमारा होटल दिखा रहा है 10 किलोमीटर, आधे घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे और ये कोई तो शहर आया है 10 किलोमीटर पहले अल्मोड़ा है। भाई यहाँ तो मॉल है बे, सिटी मॉल, भाई यहाँ तो पेंटलून्स है, ओ भाई ट्रेंड्स भी है, स्पाइकर, लिवाइस, ओ भाई मोती महल डिलक्स और डोमिनो सब है बे। मैं तो इसको ऑफ पीट डेस्टिनेशन समझा था यार, ये तो भाई डोमिनोज है यार, यहाँ पे डोमिनोज पार्टी हो रही है यहाँ, ये कैसा ऑफ पीट है बे, मैं तो ऑफ पीट समझ कर आया था। ये मेरे पीछे जगह है, वो पीछे देखो कांग्या, कांग्या हाँ, ये डोमिनोज है भाई, यहाँ पे मूवी भी है, ये रहा मूवी भी लगती है भाई, बहुत ही मस्त जगह है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं तो ऐसे ही सोच रहा था कि भाई एक ऑफ बीट जगह जा रहा हूँ जहाँ कुछ होगा ही नहीं,
होटल से 10 किलोमीटर दूर तो सब कुछ है यहाँ पे। अब ये जगह है एक्चुअली अल्मोड़ा, मुझे नहीं पता था यार इतना बड़ा शहर है, काफी बसा हुआ है। ये सामने देखो पूरा बसा हुआ शहर है यार, मस्त। और डोमिनोज देख के सुरभि तो भाग गई है डोमिनोज, वो अपना पैक करवा के ला रही है, मैं वेट कर रहा हूँ। तो गाइस हम रात भर से जगे हुए हैं, पूरी रात नहीं सोए हैं। 4 बजे हम निकल लिए थे बिनसर के लिए और अभी बज रहा है 4:05 और अभी भी यहाँ से आधा घंटा लगेगा अपने होटल पहुंचने में। और सुरभि अभी गई हुई है डोमिनोज। तो भाई आज तो सच में भूत बन गया, मतलब 12 घंटे ज्यादा हो गए हैं और सिर्फ 8-9 घंटे का डिस्टेंस था, अभी तक कवर नहीं कर पाए हैं, इतना ज्यादा स्लो चल रहे हैं आज हम। बट फिर भी ठीक है यार, मतलब हमारा एक छोटा सा वीकेंड ट्रिप हमने ये बनाया है। फ्राइडे है आज, फ्राइडे को तो अपना होटल पहुंच के चिल करेंगे वहां पे। कल सैटरडे है, सैटरडे को घूमेंगे बिनसर में, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं बिनसर में, तो जितना घूमेंगे जितना टाइम है उतना घूम के कल। और संडे को हम निकल जाएंगे घर वापसी। एक बहुत जरूरी बात है, अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हो और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ये हमारा आ गया है भाई, पास्ता, गार्लिक ब्रेड और ये क्या जिंगी पार्सल। मजा आ गया भाई, ऑफ बीट के नाम पे भाई डोमिनोज की गार्लिक ब्रेड खाई जा रही है। हम निकल रहे हैं अल्मोड़ा की मार्केट से। भाई सब बहुत बड़ा शहर है यार, पता ही नहीं था कि इतना बड़ा शहर है अल्मोड़ा। सारे ब्रांड है यार, लिवाइस, वुडलैंड और भी काफी सारे ब्रांड्स थे। खाने में भी काफी कुछ है यार, डोमिनोज था। अच्छा तो जो लोकल लोकल गाड़ियां होती हैं वो हेल्प करते हैं। अदरवाइज ऐसे और भी जैसे मैंने हेल्प कर दिया ऐसे टूरिस्ट वगैरह भी हेल्प कर देते होंगे। हां कर देते हैं, बढ़िया। पहाड़ों पे यही होता है, एक दूसरे की मदद करते हैं। हां आपका गांव दिल्ली में है क्या? हाँ हमारा दिल्ली में ही है। दिल्ली में है? दिल्ली में। घूमने के लिए आए हो इधर? हाँ बिनसर घूमने के लिए आए हैं। अच्छा 2 दिन के लिए आए हैं यहाँ पे। अच्छा अभी नैनीताल से आ रहे हैं। अच्छा अभी नैनीताल से आ रहे हैं। हाँ जी। और आप आई हो दिल्ली कभी? हाँ दिल्ली आए थे, दिल्ली के रास्ते में वहाँ गए थे। गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने होटल। ये गाड़ी पार्क्ड है पीछे, ये सुरभि जा रही है और भैया हमारा सामान ले जा रहे हैं। वो सामने है द मोक्ष रिट्रीट और बहुत ही सही व्यू आ रहा है। तो ये है फ्रंट से हमारा होटल। ये हमारा रूम है एंड रूम दिखाता हूँ मैं। ये बेड है, यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, कबर्ड है और ये वॉशरूम है। तो रूम तो बहुत सही है एंड रूम से बाहर निकलते ही ये व्यू आता है पूरा। तो यार अभी हमने होटल में चेक इन करा है और अभी जो होटल वाले एक भैया हैं उन्होंने हमें बोला है कि भाई कुछ कुत्ते हैं, 5-6 कुत्ते हैं जिनको 10-15 मिनट के लिए खुला छोड़ रहे हैं। तो इन्होंने सब गेस्ट को बोला है कि आप अपने रूम में चले जाओ, दरवाज़ा लॉक कर लो। तो भैया पता नहीं, जिन ओनर अगर बोले कि लॉक कर लो फिर तो भाई रिस्की मामला लग रहा है। तो भाई हम तो अंदर रूम में आ गए हैं, बाकी खाने का ऑर्डर दे दिया, रूम एकदम मस्त है। आज कुछ नहीं करेंगे, आज हम अपने होटल पर रहेंगे। अभी ऑलरेडी बज रहा है 6, आज हम यहीं पर चिल मारेंगे, होटल से व्यू एंजॉय करेंगे। भाई रूम से निकलते ही बहुत बढ़िया व्यू है बट दिख कुछ नहीं रहा है क्योंकि पूरा क्लाउडी है।